हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ड्रूपल 8 थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज। ड्रूपल 8 थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि अगर आपको अपनी थीम के लिए लोगो ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे, प्लस थीम का जो स्क्रीनशॉट है वो कैसे अटैच करेंगे। तो थीम का स्क्रीनशॉट अटैच करने के लिए ओपन करेंगे आप थीम की इन्फो फाइल। थीम की इन्फो फाइल में यहाँ पे स्क्रीनशॉट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी जो कि आपकी इमेज है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। मेक श्योर है कि ये आपकी जो थीम फोल्डर है उसके अंदर स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी फाइल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो जहाँ पर आपकी इन्फो फाइल सेव है वहीं पर आपको ये इमेज भी सेव करनी होगी और यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी लगा देंगे कि स्क्रीनशॉट डबल कूलन स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी। इससे आपकी थीम जो है उसमें स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा और इसको देखने के लिए आप जब यहाँ पे अपेरेंस को क्लिक करेंगे, अपेरेंस में आप जब जैसे ही अपनी थीम पे जाएंगे तो आप अपेरेंस में ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी थीम का स्क्रीनशॉट आप अपनी थीम की इन्फो फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। सेकेंड होता है कि अगर आपको अपनी थीम का लोगो चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर ये लोगो आ रहा है मेरी थीम में, अगर आपको ये लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे उसकी सेटिंग्स होती है, आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर ये लोगो डॉट पी एन जी फाइल यूज़ द डिफ़ॉल्ट इसको चेक कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट लोगो जो थीम का है वो आएगा। लेकिन अगर आपको अपना थीम का लोगो चेंज करना है तो आप इसको अनचेक करके और यहाँ से आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं जो लोगो आपको थीम पर लगाना है। तो इस तरीके से आप थीम का लोगो चेंज कर सकते हैं एज वेल एज आप थीम की स्क्रीनशॉट को अपनी थीम की इन्फो फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। थैंक यू।